गत 9 वर्ष देश के सामर्थ्य और संकल्प बद्ध प्रयास के रहे हैं। ये वर्ष प्रगति के, विकास के और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के रहे हैं। पिछले 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदृष्टा नेतृत्व में भारतीय रेल भी तेजी से बदली है, नवीन और आधुनिक हुई है। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों, वर्ल्ड क्लास स्टेशनों और सुदृढ़ बुनियादी ढांचों के निर्माण के साथ आज भारतीय रेल विश्व पटल पर उभर रही है। आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं, रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। आस्था, अध्यात्म, समृद्ध संस्कृति और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध ओडिशा के विकास के लिए कृत संकल्प भारत सरकार ने राज्य के लोगों को सतत रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का उपहार दिया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। यह पूर्ण स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से बंगाल की औद्योगिक नगरी हावड़ा के बीच करीब 500 किलोमीटर का सफर 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण करेगी, जिससे यात्रा में 20% समय की बचत होगी। वंदे भारत अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस होगी, जैसे कि 360 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, सीसीटीवी कैमरे, दिव्यांग फ्रेंडली सीट नंबर्स। इससे श्रद्धालुओं और यात्रियों का आवागमन सुगम होगा। आज ओडिशा में हरित रेलवे के तहत 100% विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इससे प्रदूषण में कमी आएगी, गाड़ियों की गति बढ़ेगी और यात्रा के समय में कमी आएगी। आज 8,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ओडिशा में रेलवे लाइन की क्षमता बढ़ाने की दिशा में कई काम हुए हैं। अनुगुल से सुकिंदा 104 किलोमीटर और बिछुपाली से झारतरभा 10 किलोमीटर की नई लाइन, संबलपुर से टिटलागढ़ 182 किलोमीटर का दोहरीकरण और मनोहरपुर राउरकेला झारसुगुड़ा जामगा 184 किलोमीटर तीसरी लाइन का लोकार्पण आज किया जा रहा है। यहाँ के इस्पात, बिजली और खनन क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र के उद्योगों का आर्थिक विकास होगा। आज ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कटक और पुरी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास कर रहे हैं। यह रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसमें कॉन्कोर्स, विश्राम कक्ष, फूड कोर्ट, एस्केलेटर, लिफ्ट और दिव्यांग जन के अनुकूल सभी सुविधाएं होंगी। अमृतकाल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के समर्पित प्रयासों से ओडिशा का सामाजिक और आर्थिक विकास इस दिशा में एक बड़ा कदम है।